कबहू न निंदिए जो पायन तर होए, कबहू उड़ी अखियन परे पीर घनेरी होए। यह दोहे कबीर दास जी ने लिखे हैं, जिसका अर्थ है कि दबे कुचले लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धूल पैरों के नीचे होती है और जब उड़ती है और आँख में पड़ती है तो बहुत कष्टदायी होती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है सेमरिया विधानसभा में, जहां लगातार दलितों का शोषण किया जा रहा है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, और उनकी यह गलती है कि वो केपी त्रिपाठी को वोट नहीं दिए। नमस्कार, विराट 24 न्यूज के स्पेशल प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आया अपन लड़का लाइके भागी काई पहले हमारे लड़कन का खाना आहे हम नहा सूट है दैसा आ जाए लूट तिरा आ सरपंच आ सिकेटरी आ बंदना ये सब रहा के त्रिपाठी हरे सब मिल के हमारे घर की जात ही नहीं ये चक्का के गई त्रिपाठी के कहने कह के त्रिपाठी भाजपा चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। चाल की उस समय पोल खुल गई जब कांग्रेस सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई। चरित्र की अगर बात करें तो विराट 24 न्यूज ने कई बार इन सिरफिरे नेताओं के चरित्र की असलियत दिखाई है, और रही बात चेहरे की तो चाल और चरित्र के हिसाब से चेहरे बदलते रहते हैं। कब तक देश में देश की जनता चेहरे को देखकर वोट देती रहेगी? आज हम फिर विराट स्पेशल में लेकर आए हैं हाल में ही दलित युवक की हत्या में लगे आरोपों से जुड़ी खबर को लेकर, जिसमें एक किसान की हत्या विधायक के रिश्तेदारों ने कर दी, जिन पर खुला आरोप लगा है और आरोपी गिरफ्त के बाहर है। कोई पहली बार इनके द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया था। झोपड़ी में आग लगा देना, कट्टा तान देना, आए दिन मारपीट करना आदत बन चुकी थी, जिसकी शिकायत भी लोगों ने कई बार की, लेकिन विधायक के संरक्षण के चलते पुलिस प्रशासन ने इन पर हाथ डालने की जरूरत नहीं की, और परिणाम यह हुआ कि दलित किसान की हत्या कर दी गई। घटना में जो आरोप लगे हैं वो पहली बार नहीं लगे। क्षेत्र में दलितों का शोषण लगातार जारी है। विगत 3 वर्षों से क्षेत्र में दलितों की हत्या हुई है और राजनीति भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कहीं माँ अपने बेटे को खो दिया तो कई बहनों की राखी सुनी हो गई, तो कहीं महिलाओं के सिंदूर तक उजड़ गए। अपन लड़का लाइके भागी काई पहले हमारे लड़कन का खाना आहे हम हाथ उठा दे साहब नहीं नहीं हम परी रही हम परे रहा। कट्टे के साथ पकड़ा था 2 महीना पहले अजगरहा में, फिर वहाँ से थाना ले जाया गया यूनिवर्सिटी थाना, फिर वहाँ से केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है, जिसी उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। उन्हें पकड़े गए जब दीपक शर्मा तीसरे चौथे रोज गांव में कट्टा धमकी दिया, एक हरजन के घर ला दिया पहले शुरू में, ये लोग रहे उसको बरजे तो वो भाग गया, हम लोग जाके आगे बुताए और फिर झगड़ा किया तो पकड़ गया यूनिवर्सिटी थाना में, फिर कट्टा समेत फिर उनको विधायक छोड़वा दिए। कौन विधायक? केपी सेमरिया का विधायक छोड़ा दिए और कट्टा सहित छोड़ा दिए, तो वो वही कट्टा से काल मॉडल कर दिया। क्या विधायक का संरक्षण मिला हुआ था क्या उसको? हाँ, विधायक उसका रिश्तेदार है। अब क्षेत्र के लोग बहुरूपीय विधायक की तुलना रावण से करने लगे हैं। जनता अब लंकापति की उपाधि दे रही है। जनता कहती है कि सेमरिया विधायक सेमरिया को अपनी लंका बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि सेमरिया को अपना फार्म हाउस बनाऊंगा। इनके कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पहले आप देखिए उन वीडियोस को। वीडियो दिखाइए प्लीज। सेमरिया मेरा फार्म हाउस है, सेमरिया का एक एक गांव मेरे फार्म हाउस का कमरा है, मेरे फार्म हाउस का घर है। सेमरिया मेरा फार्म हाउस है, सेमरिया का एक एक गांव मेरे फार्म हाउस का कमरा है, मेरे फार्म हाउस का घर है। सेमरिया मेरा फार्म हाउस है, सेमरिया का एक एक गांव मेरे फार्म हाउस का कमरा है, मेरे फार्म हाउस का घर है। सेमरिया मेरा फार्म हाउस है, सेमरिया का एक एक गांव मेरे फार्म हाउस का कमरा है, मेरे फार्म हाउस का घर है। उसके नेता कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर में भी चुनौती अवसर चुनौतियों में भी जो आपदा है उसमें भी अवसर और चुनौतियों में हम रास्ता नेता कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर में भी चुनौती अवसर चुनौतियों में भी जो आपदा है उसमें भी अवसर और चुनौती।
के नेता कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर में भी चुनौती अवसर चुनौतियों में भी जो आपदा है उसमें भी अवसर है। हमारे पिताजी परसों फोन किए, कहने सगली धान चलने हजारन खाड़ी धान गैया लग के एक एकड़ के धान चौपट कह दे, हजारन खाड़ी धान गैया लग के एक एकड़ के धान चौपट कह दे, हजारन खाड़ी धान गैया लग के एक एकड़ के धान चौपट कह दे, हजारन खाड़ी धान गैया लग के एक एकड़ के धान चौपट कह दे। वैसे पंडाल लगाकर कलेक्टर एसपी विधायक जनपद अध्यक्ष जनपद सीओ सब संधि का दूल्हा बने दूल्हा के स्वागत कर रहे थे, संधि और के ऐरा प्रथम अब यह बचा है कि हम गोरुआ ताकि ऐरा प्रथम अब यह बचा है कि हम गोरुआ ताकि ऐरा प्रथम अब यह बचा है कि हम गोरुआ ताकि ऐरा प्रथम अब यह बचा है कि हम गोरुआ ताकि देखा आपने सिमरिया विधायक के जो कारनामे हैं वो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। क्षेत्र के लोग तो कहते हैं कि जो हरकत विधायक के द्वारा की जाती है कोई बड़ा नशेड़ी ही कर सकता है। आप जो वीडियो में सुनेंगे तो अनुमान लगा लेंगे कि इस तरह की हरकत कौन करता है। विधायक कभी कहते हैं कि हमारे पास इतना ही काम बचा है कि गाय चराई, जिस गाय की पूजा का ढोंग करते हैं वो आवारा हो गई, एक एकड़ में हजारों खाड़ी धान होती है, संधि बनकर दामाद आते हैं, हद है विधायक जी। एक फोटो तो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है जिसमें सिमरिया विधायक को मरकहा विधायक बताया गया है। आपने देखा भाजपा से सिमरिया विधायक का चाल चरित्र और चेहरा। अब आपको सुनाते हैं क्षेत्र के लोगों की राय जिनके द्वारा विधायक को रावण तक कहा जाने लगा है। क्षेत्र में इनके इस तरह से सागर्द फैले हुए हैं कि जिनके सहयोग से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, कभी खड़ी फसल को कुचल दिया जाता है, कभी बेरोजगारों का रोजगार छीन लिया जाता है, तो कहीं शासकीय जमीनों में कब्जा कर रखा है, अवैध कामों का ठेका भी ले रखे हैं, जिसके चलते ही अपनी को लंकापति की उपाधि क्षेत्र की जनता दे रही है। आइए आपको सुनाते हैं कुछ ऐसे ही पीड़ितों को जो इनके फार्म हाउस बनने के कारणों का बखान कर रहे हैं। ये जमीन का मूल रकबा सर 46 एकड़ 64 डिसमिल है, पटवारी द्वारा बताया गया हम लोगों को, लेकिन इस जमीन को 120 एकड़ तक आवंटित कर दी गई बड़े बड़े लोगों को, पूंजीपतियों को, जो सांसद और विधायक के पी त्रिपाठी के भी और जनार्दन मिश्रा के भी खास लोग हैं। 11 एकड़ इस जमीन को उन लोगों को आवंटित कर दिया गया। हम 57 साल के हो गए हैं जी, ऐसा रद्दी विधायक देखवा नहीं भाई, एक ही पहले जे रहे बहुत अच्छे रहे विकास केन पे, इतना रद्दी विधायक अब तक हम देखवा नहीं भाई। जब देखा था थाने में कहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, इधर उधर मर्डर हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा, सिर्फ फ्लाटगिरी चला थी, काम कुछ नहीं। आदमी एक पाले है हर गांव में, क्यों कमीशन खोरी के काम करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। और जो आवाज़ उठावे ओके साथ, हाँ जो को आवाज़ उठावे ओके साथ कुछ नहीं, नौकर कहाँ सुनवाए। मारपीट आए पटवारी हल्का में ही जो अच्छे रही वो रहा न पही रद्दी कल आके ढाई दे, ये मैं उधर झूठी जमीन में कब्जा, सबसे रद्दी विधायक अना अबे कबहूँ अपने यहाँ। फोटो तो दिखा दी सोशल मीडिया में दिखा रहा था, कई फोटो दिखाई लेकिन काम कुछ नहीं। और जो इनका सदस्य है साथ में है मंडल अध्यक्ष है जो इनके आगे पीछे चंगू मंगू रहा थे, उनका का है भर दिखा थे बस, अब बाकी कुछ नहीं, गांव में दिखाई है अपन जलवा ठूकी है, यही सब लूट रहे, हाँ लूट रहे, बाकी कुछ नहीं। इनका पति की जगह लंका पति है, विकास की जगह विनाश,
कैसे विरोधियों को फंसा रहे हैं, दलितों के लिए आए दिन अत्याचार हो रहा है, क्या घटना है घटित? मर्डर हो रहे हैं, विरोधियों को फंसाता है, काम नहीं कराता, हमारे गांव की रोड रद्दी है, अपना बना रहे हैं। ये कहते हैं हम फार्म हाउस बनाएंगे, सिमरिया को अपना बनाना चाहते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं, अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, क्या अपना बनाना चाहते हैं, काम कुछ नहीं करना चाहते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि मिश्रा है। मिश्रा जी बताइए, सिमरिया माँ कैसन विधायक जी के चल रहा है कार्य क्रियाकलाप और का आप लोगों का लाग रहा है? अब तक जितने विधायक रहे तो यह रहा कि लोगों के बीच में पहुंच के कुछ कामों का दे रहे हैं, पर जब से विधायक चुने गए केपी त्रिपाठी, ये हर दिन क्या है बहुत दूर के न हो, पर इनकर दादागिरी लागत है कि गांव में लोग रह न पाई इनके दादन के मारे, कहीं दादा पाले जब कमंडल उमंडल जब रहा थे ना, तो गांव में लोगन का ऐसा परेशान कहे हैं कि बेचारे एकदम का कहें कि उनकर का हालत ही, कुछ काम नहीं आया इनके, बस गुंडागर्दी ही, कौनों गांव के लोग कह दें कि भाई हमारी यह काम रहा है, बस करवा दे हमने 500 रुपया बहन बन जाए, बस यह चली। अजय को और ज़्यादा बोले तो फिर जो उनके नाम FIR हुई, वह इट्ठे सनी समदरिया बेचारा थोड़ा बहुत गांव में राजनीति करे खाती निकलत है कि हमहूँ गाँव में राजनीति करी, तो वह चाहिए कि विधायक जी हमें पहले उन्हें के साथ जुड़ा रहा हुआ, अब फिर जाके जब गा तो कही कि विधायक जी यह रोड चली, वो रोड खराब रही, तो इनके तो इनका गुस्सा लग गया, वो रोड में घुसे तो कहे कि कादव रहा खूब, तो उनका नाराजगी हो गया कि यह कादव हम कल आधी, अरे तू रोड बनवाए नहीं तो कदबे में नहीं हिटबे, तुम्हार तो काम हीठा कादम मई जनता के ठीक करा ये तुम्हारा, तो फिर ओका बेचारे का मारे का दौड़ बाइन होकर मोबाइल छोड़वावे के फिर उनको पर SC ST लगवाइन विधायक यहाँ ही, अरे अब काल इंठे इटहा हमारे गाँव के बगल में है, तो इटहा में यह घटना हुई है भैया, वह कट्टा ले लड़का भागत रहा ओखर विश्वविद्यालय में कट्टा जमा हो गया रहा, तो का जरूरत रही तो हाँ कट्टा छोड़वावे का, वह लड़का का छोड़वा, अरे अपराधी तू एक अपराधी हुआ तो तू अपराधी के साथ दे के का सिमरिया के सिद्ध करे चाहते है भैया, लोगन का जिया दे, अरे BJP वाले सारे पागल टिकट दे दिन, वो पागल का पूरी जनता के ऊपर मुकदमा, भाई सब परेशान है, तो इनकर गुंडागर्दी खाती का शिव राजा माधर हो गया है, सिमरिया की जनता परेशान है हो गए, एक बेत वोट दाई दी दो कैसन की जीत गए, दोबारा ऐसा नहीं लागे कि तिलक लागी इनके, तो इनका जो है तो ये संदेश जो पहुंच जाए शिवराज तक, और जो पहुंच जाए सगले इनका नड्डा हरे जो है ना JP नड्डा अमित शाह फलाने जी, तो ये एक जो तो टिकट काटे नहीं तो मरी जाइए सिमरिया की जनता वोट कस के दे इनका दोबारा। ये कहा थे हम अपन फार्म हाउस पूरे सिमरिया का बना रहे, तो कैसा कब्जा करा चाहते, जमीन पर अतिक्रमण कैसा कब्जा हो रहा, का इस समय चल रहा सिमरिया फार्म हाउस, तो सगले BJP वाले बनावे चाहते सगले हार का ही फार्म हाउस छोड़े चाहते, हमारे जमीन में बनावे चाहते, पर सरकारी जमीन में बनावे चाहते, प्रेम से दे दी तो ठीक है, नहीं जबरदस्ती ले ली, इनके तो मन में है फार्म हाउस, पहले बेचारे जो दिल्ली में बैठे हो फार्म हाउस तैयार होता रहा पे हुआ बिल वापिस, बस अब ये राजनीति या दिखा लागी आगे, ये सब का मालूम है, सब जान चुके हैं, बस एक अब समय की इंतजार है। तो कैसा कैसा साम्राज्य बनाना चाहते हैं विधायक? या जो शहाबुद्दीन रहा है एक ठे वहाँ अपना के UP बिहार का ही, तो इनका लागत तो जब उन्हें खोर से हम निकली तो पे कहीं कि गब्बर आवल लाग है, तब कैसा इस समय संरक्षण चल रहा है, कैसे लोग हैं, कैसे खुश हैं या इनके राज्य में? इनके राज्य में ऐसा जैसा पहले जमाने में रावण रहा, तो रावण के जो चंगू मंगू रहे तो उनका जैसे कमलापति, तो ये लंकापति रावण है, ये तो लंकापति इनका ना हो चाहे बकायदे कमलापति के साथ जो हम चाह कि लंकापति जोड़ दें तो कुछ ज़्यादा अच्छा लागी, तो जैसे जो को कुछ बोल जाए ना तो फिर इनकर लंका के जैसा रावण के सेना पहुंच के फिर उनका बगिया तोड़ दे माँ तमाम नुकसान कर दे, तो फिर चाहे सनी समदरिया हो चाहे प्रमोद शर्मा हो चाहे या यादव या गाँव के हो जो उनके अभी हम मर्डर भाई को बोल दे तो खर मर्डर हो जाए औखा जो है तो हर हाल में मुकदमा फंसा दी, बस सिर्फ इनके इतने काम आ है राक्षसी राज्य चलावे चाहते हैं कि हम जो बोली तव हो, सिर्फ इनका यह मनसा ही हम ये संदेश दे चाहते पूरे देश में यह फैल जाए कि सिमरिया के विधायक पति नहीं लंका पति आए। जो आपने सुना यह कोई नेता या मीडिया नहीं कह रही है, जनता है साहब, जनता है जो अब लंका पति कहने लगी है, नशेड़ियों जैसे हरकत करने वाला कहती है। आइए अब सुनते हैं क्षेत्र के विपक्ष के लोगों को जिनकी विधायक के संबंध में क्या राय है। मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से हम जाके वहां पर प्रशासन के साथ में सामंजस्य बैठाए थे और लोहा पर जो आंदोलन समाप्त कराया था वहां पर पहुंच के जिस प्रकार बातचीत प्रशासन से हुई थी और उसके बाद तो एक तो 20 घंटे में पहले उसको सोल्यूशन नहीं मिल पाया, उसके बाद हम लोग गए तो तब सामंजस्य बैठा और उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, और क्योंकि विधायक सिमरिया का रिश्तेदार है और विधायक सिमरिया के ऊपर आरोप लोगों ने लगाया है, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि विधायक सिमरिया
उनके जो है नंबर, उनके लोकेशन, उनके बातचीत का सलूशन, उस अपराधी से पिछले 10 दिनों के बीच की बातचीत का जो है उनके मोबाइल से द्वारा जो टेस्ट किया जाए जी। मैं अगर ये ऐसा करती है प्रशासन, पुलिस अगर ऐसा करती है, तो गारंटी इस बात की है कि वो तत्काल जो है 4 घंटे के अंदर में गिरफ्तार हो जाएगा। ये बात को मेरी पूरी गारंटी है। प्रशासन से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, SP साहब से मैंने जो है ये बात को रखी है कि इनका जो है अगर आप इसको वाकई पकड़ना चाहते हैं तो जो है निश्चित तौर से सिमरिया विधायक, क्योंकि उस दिन बता रहे हैं लोग कि उस दिन एक दिन पहले भी रात को जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और सुबह यहाँ से विधानसभा गए हैं वो, तो उसको जो मैं बोल रहा हूँ कि उनके नंबर का, मोबाइल नंबर का पूरा टेस्ट किया जाए कि उनसे लोकेशन पे उनके तुरंत इस मामले में लेके कहाँ कहाँ तक बात हुई है। निश्चित तौर से अपराधी जो है पकड़ा जाएगा, इस बात का पूरा निर्देश है। वर्तमान सिमरिया विधायक को मैं एक अपात्र विधायक के रूप में देखता हूँ। उसका कारण यह है कि इससे पहले कई विधायक हुए, कई जगह पर लिखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से अशांति, अराजकता का माहौल, अनकंट्रोल पूरा व्यवस्था, भ्रष्टाचार जो है इस समय सिमरिया विधानसभा में, वो आज तक कभी देखा नहीं गया, क्योंकि एक अपात्र व्यक्ति को जो है BJP ने टिकट दिया और वो जो है वोट बैंक जो कि BJP का था उस बेस पर वो बन गए। इस कारण से मैं एक अपात्र विधायक के तौर पर देखता हूँ। सिमरिया विधायक जो हैं, जब से इनका इन्होंने इलेक्टेड हुए हैं तब से लेकर अभी तक जो हैं सिमरिया विधायक जो हैं लगातार वो किसी भी गांव में कहीं पर भी हर जगह जो है दादागिरी के साथ में अपना काम करना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, इसके अलावा जो है लोगों पे आक्रमण करवाना, लोगों को उकसाना और उनके प्रति जो है एक असामाजिक तत्वों को साथ में लेकर चलना, उनके आजू बाजू के जो भी देखे जाएंगे सारे लोग देखेंगे वो सभी अपराधी तत्व के लोग ही दिखेंगे। कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कहीं संघर्ष के व्यक्ति आपको दिख जाए तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ, इसलिए जो है आतंक का पर्याय कहा जा सकता है। मैं विधायक KP त्रिपाठी, पति त्रिपाठी जी को ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपका जो है ये उत्साह जो बढ़ा हुआ है, तो मैं तो आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि जो है बहुत से विधायक आए, बहुत चले गए, बहुत सारे लोग अपना जगह चले गए, लेकिन जिस प्रकार से जो है पूरे क्षेत्र के अंदर में जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा, आतंक को बढ़ावा, लोगों के को जो है साहसी लोगों को, कामकाजी लोगों को तोड़ने, उनको मिटाने, और जिस प्रकार से आपका लगातार लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने का जो सिलसिला चल रहा है दोस्त, वो सिलसिला जो है मैं समझाना चाहूँगा कि वो सिलसिला जो है आज के बाद अब 2 साल और रह गए हैं। अब तो एक तो पहली बात जो है सिमरिया विधायक को जिस प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, मैं तो नहीं समझता अगर मैं वरिष्ठ मैं कार्यकर्ता संगठन बैठा होता BJP में तो कभी टिकट नहीं देता, और इस बात के लिए ऐसा अंदेशा मिल रहा है टिकट नहीं मिलेगी। और साथ में मैं भी ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जो है जब क्षेत्र में विधायक की टिकट मिलती है तो फिर ऐसा ही तांडव, ऐसा ही नंगा नाच होता है, यही कहा जा सकता है। देखिए ऐसा है कि वो जो जिस प्रकार से बोलते हैं कि मैं किडना गुर्दों का ख़राब कर दूंगा, तो वो जो है उनकी मानसिकता है, वो अब जान चुके हैं कि मुझे जाना होगा, गलती से जो है चुनाव कर लिया था उसने, उनको एहसास हो चुका है। वो जो ये बोलते हैं बार बार कि जो है जो मेरे से टकराएगा, मेरे लोगों को जो आतंक करेगा, उनको जिस प्रकार लोगों को उकसाते हैं, उकसाने का कारण यह है कि कल जो है इटाहा में जो घटना घटी, वो जो ऐसे लोग उकसाए युवा जो सोचते हैं कि हमको हमारा संरक्षण देने वाला जो है शातिर बदमाशों को संरक्षण देने वाला जनप्रतिनिधि है, इस कारण से ऐसा सोचते हैं, तो वो ये भूल जाएं। जनता इस बार जो खबरें लगातार बाहर आ रही है, ये शुरू से ही इनका अपराध से नाता रहा है। उदाहरण के लिए जब ये आपके पद्मेश जी गोली मार दिए थे अमित को, तो इन्होंने खुलेआम बबला से बोला, और कांग्रेस पार्टी में जब थे कि मैं उसका जो तो हत्या से बदला लेकर रहूँगा। तो एक तो ये इनका उदाहरण है, दूसरा जो है तो अभी वर्तमान में ये जो वहाँ सिमरिया में मंच से बोलते हैं कि ऐसा है कि अगर मुझसे कोई टकराएगा तो मैं उसको खन के गाड़ दूंगा, ये अभी जो ताज़ा उदाहरण है आपका इटाहा का जो हत्या हुई है, ये ताज़ा उदाहरण है कि वास्तव में खन के गड़वा देते हैं और हत्या करवा देते हैं, इस तरह के विधायक है। इनसे बच के रहने की ज़रूरत है, प्रशासन पूरी तरह पंगु है, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में जनता इनको पद पर नहीं रखेगी। सिमरिया पूरे ज़िले में ही क्यों विख्यात है, कहीं ना कहीं बात है आपके जो है तो अभी वहाँ पे जहाँ पे आपके ये बैजनाथ है, बैजनाथ में जो है तो यहाँ पे आपके जो गिट्टी निकल रही है, पत्थर निकल रहे हैं, पूरी तरह से इनका और इनके भाइयों का और इनके सहयोगों का पूरी तरह से जो तो साम्राज्य है, उस साम्राज्य में आप घुस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, इतना बड़ा इनका जो है तो एक ये इसको काला पत्थर अगर कहा जाए कि काला पत्थर निकालने में ये माहिर है, और उसी काले पत्थर के दम पर ये आज रीवा में अपराध जगत में जो तो इनका नाम आ रहा है, और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पति जी जो हैं यही KP त्रिपाठी है, पति जी जो है तो अब लंकापति बनने के रास्ते पर है। जिस तरह रावण का साम्राज्य था, आतंक था पूरे लंका में और राक्षस समाज में, उसी तरह ये वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है,
तो एक राक्षस समाज की स्थापना कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे नेताओं को टिकट दे और ऐसे नेताओं को चुने और जनता के बीच में भेजे और जनता इनका जो है तो जीता के विधानसभा भेजे। ऐसे लोगों को कंट्रोल करने की और लगाम लगाने की जरूरत है। ये एक्चुअली क्या है कि सब नशेड़ी लोग हैं और ये दिन भर नशा किए रहते हैं और सत्ता का नशा तो अपने आप में ही चरम होता है जी। और जनता का दुर्भाग्य इनको दिख नहीं रहा और इसीलिए ये कह सकते हैं कि इनका जाने का समय है तो अब इनका नशा दिख रहा है जनता को। अरे ये तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनप्रतिनिधि होता है जनता की सेवा के लिए, अगर वही अपराध का संरक्षण करने लगे तो अब जनता के देवता वो है मालिक। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह का समाज अगर बनाना है तो जनता को सोचना पड़ेगा क्या। बहुत 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 दुर्भाग्यपूर्ण है। अब लोकतंत्र का यही दुर्भाग्य है कि हम दल को देख के वोट देते हैं, आदमी को पहचानते नहीं। अब उसका चरित्र सामने आ रहा है तो वो धीरे धीरे ही समझ में आता है। तो आज सारी जनता उस चीज़ का पश्चाताप कर रही है और अपना भविष्य अंधकार में देख रही है। देखिए, हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने कई विधायकों को देखा, लेकिन वर्तमान में जो विधायक केपी त्रिपाठी जी हैं उनके द्वारा कई घटनाएं कराई जा रही हैं। जैसे अभी कल हाल ही में मर्डर की घटना सामने आई, जिसमें जिस व्यक्ति ने मर्डर किया इसको कुछ दिन पहले पुलिस ने सामान्य थाना में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन उसको राजनीतिक दबाव के कारण छुड़वा लिया गया था और कल ही उसने दूसरी बार फिर मर्डर की घटना की। अब सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक को सिमरिया क्षेत्र की जनता कमलापति के नाम से नहीं, अब रावणपति के नाम से जानती है, लंकापति के नाम से जानती है और इनका अत्याचार अहंकार बहुत चरम सीमा पर है। अब इस विषय को लेकर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत आहत है और इसका आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। और हाल ही के चुनाव में रायगांव विधानसभा चुनाव में विधायक, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी अपना डेरा जमाए हुए थे, लेकिन क्षेत्र की जनता ने उनको काफी अच्छे से जवाब दिया जो कि उनको हार का सामना झेलना पड़ा। बस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिमरिया विधायक ये लंकापति रावण जैसे इनका कृत्य है। अभी फिलहाल में जो घटना यादव परिवार से घटी है इसके पूरे जिम्मेदार सिमरिया विधायक, जिनको पहले भी किंग जोन, शहाबुद्दीन, आज तो ये लंकापति बने हुए हैं। इतना तो रावण का अत्याचार नहीं रहा जितना सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कृत्य किया जा रहा है। और पता नहीं कितने जुल्म करेंगे, नाजायज लोगों को फंसाएंगे और अपने सहपाठियों से जब वो नहीं उनका विरोध करेंगे तो उनसे डंडों से मरवाएंगे, लाठी से मरवाएंगे, अब तो गोली भी चलवाने लगे। पराकाष्ठा होती है किसी चीज़ की। लेकिन मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय शिवराज सिंह से यही कहूँगा कि ऐसे विधायक से तत्काल इस्तीफा दें और इसको पद से पृथक करें। ये विधायक किसी काबिल नहीं है। हमारे सिमरिया विधानसभा में पावन धरा भूमि बशामन मामा की पर ऐसा अत्याचारी, दुराचारी, राक्षसी प्रवृत्ति का, कभी ये राक्षस वही रावण की जो राक्षसी कृत्य करता था, ये तो उससे भी जाके आगे निकला। ये तो लंकापति है जो रावण की उपाधि दी जाती थी। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और यादव परिवार जिसके यहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, मैं पुलिस महकमा, पुलिस अधीक्षक रीवा से भी मीडिया के माध्यम से कहूँगा उनके ऊपर FIR कर कार्रवाई करें ताकि दोबारा ऐसी घटना न घटे, यह अपेक्षा करता हूँ। और इनका आतंक तो इतना है कि अब क्या बताएं, सिमरिया का हर बच्चा बच्चा जानता है। ये आतंक बहुत दिन नहीं चलेगा, किंग जोन और शहाबुद्दीन का आतंक नहीं चला, न चलेगा। अब तो रावण, बाप रे रावण, क्या रावण की भुजाएं थी, 10 शीश था, लेकिन तुम तो यहीं हो। लंका वाले रावण मत बनो, बनोगे तो एक दिन नष्ट हो जाओगे, नाबूद हो जाओगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। आपने सुना जनता कितनी आक्रोशित है और उसका क्या कारण है। क्या वाकई सिमरिया विधायक भी अपने गुरु की तर्ज पर क्षेत्र को बदलापुर बनाने का सपना देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो याद रखिए,
सोने की लंका जलाने वाला भी एक बंदर था, जिसका उपहास रावण ने भरी सभा में किया था। दलितों को आप कमजोर ना समझे। कबीर दास जी ने जो कहा है कि तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होए, कबहू उड़ अखियन पड़े तो पीर घनेरी होए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।